दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 उद्देश्यों में से पहला उद्देश्य है नो पावर्टी। नो पावर्टी यानी गरीबी उन्मूलन, जिसे पूरी तरह उन्मूलित करना आज भी एक बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक आज भी 736 मिलियन लोग $1.90 यानी लगभग 135 रुपए से कम की दिहाड़ी पर जिंदा हैं। इतना ही नहीं, इसके कई और मानक भी हैं। किसी के पास खाने की कमी है तो कोई साफ पानी और स्वच्छता जैसी परेशानियों से जूझ रहा है। हालांकि चीन और भारत में काफी लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं, लेकिन ये प्रगति अभी भी काफी धीमी मानी जा रही है। एक आंकड़ा ये भी कहता है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा गरीब हैं। इसकी एक वजह तो उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम मानदेय मिलना है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि पुरुषों के मुकाबले उनकी शिक्षा कम होना व संपत्ति पर मालिकाना हक कम होना इसके पीछे बड़ा कारण है। हालांकि गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी का जो प्रतिशत था वो 2015 में 10% कम हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसी रफ्तार से हम आगे बढ़े तो साल 2030 तक 3% से कम की आबादी गरीबी की रेखा के नीचे रहेगी का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। इस गति से आगे बढ़ने पर साल 2030 तक दुनिया की आबादी का 6% फिर भी अति गरीबी की रेखा के नीचे होगा। भारत में गरीबी उन्मूलन की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पावर्टी एलिवेशन के पास है। इन्होंने नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन शुरू किया है, जिसके तहत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को नए स्किल्स सिखाकर उन्हें रोजगार दिलाना या फिर उनके लिए कारोबार शुरू करना है।